बहू की मछलियों की खेती। बहुत समय पहले की बात है, नीतू नाम की एक लड़की अपनी सास और जठाने के साथ रहा करती थी। नीतू एक पैर से अपाहिज थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही जब वो अपने पति के साथ ट्रेन में बैठकर अपने मायके जा रही थी, तब उस ट्रेन में एक हादसा हो गया जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई और नीतू अपाहिज हो गई, जिसकी वजह से नीतू की सास सुगंधा हमेशा उसे कोसा करती थी और उसे खेतों का सारा काम करवाया करती थी। सुगंधा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नीतू वो काम कैसे करेगी, वो तो बस नीतू को काम बोल दिया करती थी और ना होने पर उसे खूब मारती भी थी। एक दिन, सुन अपाहिज, खेत में अंगूर की फसल अब पूरी तरीके से पक चुकी है, जाकर उसे तोड़ ले और टोकरियों में भर ले। थोड़ी देर बाद मैं और तेरी जठानी मेघा आकर वो टोकरियां ले जाएंगे। ठीक है माँ जी। इसके बाद नीतू खेत पर जाकर सारे अंगूर के गुच्छे एक एक करके तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर दो बदमाश आ जाते हैं। क्या बात है भाई, ये अंगूर तो कितने ताजे और अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है, इनका रंग तो देख, इनकी तो अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी मंडी में। कम से कम हमारा एक दो महीने का गुजारा तो आराम से हो जाएगा। कौन हो तुम लोग और ये कैसे बातें कर रहे हो? ये अंगूर तुम्हारे नहीं है, ये अंगूर मेरी सास के हैं। मैं तुम्हें ये अंगूर नहीं देने वाली। अरे बेचारी अपाहिज लड़की, हम तुझसे ये अंगूर मांग नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो यहाँ इसे चुराने आए हैं, समझी तू? नहीं, तुम इसे नहीं चुरा सकते, मैं तुम्हें चुराने नहीं दूंगी। अच्छा, तू हमें रोकेगी? जरा रोक के तो बता। नीतू अपनी व्हीलचेयर पर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठने के प्रयास में नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बदमाश जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों सारे अंगूर लेकर टोकरी में भर लेते हैं और उन्हें अपने गाड़ी में रखकर 9:45 हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सुगंधा और मेघा खेत पर आते हैं, तो वो सारे अंगूर गायब देखते हैं और नीतू को जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये खेत इतना बिखरा सा क्यों है और सारे अंगूर कहाँ है? हाँ माँ जी, यहाँ तो सारे अंगूर की टोकरियाँ भी खाली है। अरे अब शगुनी, अब मुँह खोलेगी भी? नीतू रोते रोते कहती है। माँ जी, सारे अंगूर तो बदमाश चुरा कर ले गए, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, वो सारे अंगूर अपने गाड़ी में भर कर ले गए। ये बात सुनकर सुगंधा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो नीतू पर चिल्लाने लगती है। तभी मेघा कहती है, माँ जी मुझे तो लगता है नीतू झूठ बोल रही है, इसने जरूर किसी मंडी वाले के साथ सेटिंग कर रखी है और उसे ही सारे अंगूर बेच दिए ताकि हमारे हाथ कुछ ना आए। तो बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे वो अंगूर की फसल ही हमारी आखिरी सहारा थी, उस फसल के पैसों से ही हम इस महीने राशन भरवाने वाले थे, लेकिन अब तो वो भी हाथ से गए और ये सब हुआ है सपाहिज की वजह से। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात को समझिए। लेकिन सुगंधा इतने गुस्से में थी कि वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। बस बहुत हो गया तेरा, पहले मेरे बेटे को खा गई, उसके बाद बोझ बनकर हमारे ऊपर पड़ी रही, और अब ये सब हरकतें, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर सुगंधा और मेघा मिलकर नीतू को खेत में ही बने एक कुएं में फेंक देती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। लेकिन ये तो नीतू की खुशकिस्मती थी कि वो कुआं एक नागलोक की दुनिया से जुड़ा हुआ था। नीतू तैरकर उस दुनिया में आ जाती है और बेहोश होकर वही गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन नीतू को देख लेती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देती है। अरे ये बेचारी कौन है, किसने इसे कुएं में फेंक दिया, और वो भी तब जब ये चल फिर भी नहीं सकती। नागिन अपने दिमाग में ये सब बातें सोच ही रही होती है कि तभी नीतू को होश आ जाता है और फिर वो सारी बात उस इच्छाधारी नागिन को बताती है। इच्छाधारी नागिन को नीतू पर तरस आता है, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में रखी नागमणि की मदद से
नीतू का पैर ठीक कर देती है और नीतू वापस से पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद वो इच्छाधारी नागिन नीतू को लेकर वापस धरती लोक पर आ जाती है। नीतू, जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि वो बदमाश तुम्हारी अंगूर की फसल चुरा कर ले गए थे, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो कोई कभी नहीं चुरा पाएगा। आप ऐसा क्या देने वाली हैं? पहले तुम अपने खेत में अंगूर की खेती करती थी ना, लेकिन अब तुम्हारे खेत में मछली की खेती होगी। मछली की खेती? पर ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव है, हमारे नागलोक में भी ऐसा ही होता है। और अगर तुम मछलियों की खेती करोगी तो कोई उसे डर के मारे चुरा भी नहीं पाएगा। इसके बाद वो नागिन नीतू के खेत में मिट्टी के हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ती है और वापस उस मिट्टी को खेत पर रख देती है और फिर उस मिट्टी पर पानी डाल देती है। पानी डालने के कुछ देर बाद ही बहुत सारी मछलियाँ वहाँ प्रकट हो जाती है। अरे, ये तो कमाल ही हो गया। कमाल तो है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। ये जादुई छड़ी बुरे लोगों से तुम्हारी रक्षा करेगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर नागिन वापस अपने नागलोक चली जाती है और यहाँ नीतू मछलियों की खेती करने लगती है और फिर बाजार जाकर उन मछलियों को अच्छे दाम पर बेच देती है। धीरे धीरे उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगती है। लेकिन जब नीतू के साथ सुगंधा और उसके जेठानी मेघा को इन सब बातों का पता चलता है तो वो नीतू के खेत में जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सारी मछलियों की खेती हो रखी है। हाँ माँ जी, ऐसा नजारा तो मैंने पहली बार ही देखा है। माँ जी, मेरे दिमाग में तो एक बहुत ही मस्त आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आ रहा है, जल्दी बता। माँ जी, अगर हम नीतू को जान से मार दे तो ये खेत हमारा हो जाएगा और ये सारी मछलियाँ की फसल भी हमारी हो जाएगी और हम कुछ ही समय में माला माल हो जाएंगे। तेरी बात में दम तो है बहू। इसके बाद सुगंधा और मेघा हाथों में चाकू लिए नीतू की तरफ बढ़ते हैं। नीतू का ध्यान कहीं और था, वो अपनी सास और जेठानी को देख नहीं पाती। लेकिन फिर जैसे ही सुगंधा और मेघा नीतू पर हमला करने वाली होती है कि तभी वो छड़ी एक डंडे के रूप में बदलकर दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। अरे अरे, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। अरे मेरी हड्डियाँ, अरे बुढ़ापे में इस डंडे की मार खाकर तो सारी हड्डियाँ ही चटक गई। अरे अरे, हमें जाने दो, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें हमारा सबक मिल गया है। इसके बाद नीतू के कहने पर वो डंडा रुक जाता है और सुगंधा और मेघा वहाँ से भाग जाती है। उन दोनों को अपना सबक मिल जाता है और वो कभी लौटकर नीतू के खेत में वापस नहीं आती। नीतू अपनी मछलियों की खेती के साथ अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती है।